prescription is a written order from a registered medical practitioner or any other licensed practitioner like a dentist or maybe a veterinarian to a pharmacist to compound and dispense specific medications for specific patients. हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मा ई क्लास. आई एम अनिंदु गोस्वामी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रेस्क्रिप्शन टॉपिक. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन और अ टिपिकल प्रेस्क्रिप्शन की क्या कैटेगराइजेशन है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉडल प्रेस्क्रिप्शन और अ टिपिकल प्रेस्क्रिप्शन में किस हिसाब से देखा जाता है, प्रीवियसली कैसे प्रेस्क्रिप्शन होते थे एंड मॉडर्न डे प्रेस्क्रिप्शन कैसे होते, उसके बारे में भी हमने शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया. तो टुडे आवर टॉपिक दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर ओनली दैट इज हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मासिस्ट टू नो. बिकॉज जितने भी आइडियल सिचुएशन है, आइडियल जो फार्मासिस्ट है, चाहे जो हॉस्पिटल फार्मेसी हो चाहे रिटेल फार्मेसी हो, जहां से हम मेडिसिन खरीदते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन और विद द प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के, तो फिर वो प्रेस्क्रिप्शन हमेशा रिसीव करने के लिए फार्मासिस्ट वहां पे मौजूद रहना चाहिए, चाहे वो रिटेल फार्मेसी शॉप हो एंड बी इट अ हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट, कहीं से भी आप ले रहे हो मेडिकेशन. सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि एक फार्मासिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन. सो दीज आर द पॉइंट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद रीडिंग एंड चेकिंग, उसके बाद कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल और कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. तो ये जो पार्ट है हैंडलिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, अगेन ये आइडियल प्रेस्क्रिप्शन जैसे पहले बनते थे या जैसे जब मेडिकेशंस को फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता था, उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चीज को क्लासिफाई किया. मॉडर्न डे में कैसे हैंडल किया जाता है दैट विल ऑल्सो विल स्टडी, धीरे धीरे हम उस पर भी आएंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फार्मासिस्ट को खुद प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए पेशेंट से, या पेशेंट के बिहाफ में जो मेडिकेशन लेने आए हैं उनको रिसीव करना चाहिए फार्मासिस्ट को खुद. जब प्रेस्क्रिप्शन वो रिसीव कर रहे हैं तो एकदम एक बार वो जरूर देखेंगे, अगर उनको उस समय कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज दिख जाए जो कि लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द पेशेंट हो, मतलब द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सच अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, लेकिन उस चीज को देखने के बाद भी एक झलक प्रेस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो पेशेंट है ऑलरेडी ही और शी इज इन अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, आपके एक्सप्रेशन से आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको ये कतई नहीं लगनी चाहिए कि वो ही और शी इज इन डेंजर. तो रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट पार्ट जो कि हैंडल ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में है. एक फार्मासिस्ट को खुद प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप वेट करिए जो वेटिंग एरिया है वहां पे, और वेटिंग एरिया शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, लाइक उसमें कुछ हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसमें पोस्टर्स वगैरह लगाए हो, उसमें मैगजीन्स वगैरह रखा हो, और क्योंकि पेशेंट एक है जो कि पेशेंट बोल के जो व्यक्ति है ही और शी इज नॉट इन अ प्रॉपर और अ नॉर्मल पर्टिकुलर वो हेल्थ कंडीशन में नहीं है, तो उनके साथ बहुत ही आराम से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इट शुड बी वेरी इन ए प्रोफेशनल वे आपको पेश होना चाहिए. So that is the first part, receiving the prescription. A pharmacist should always receive the prescription all by himself, and he or she must be try to make the patient comfortable during that waiting time, जब तक कि वो prescription को dispense कर देंगे, that is जब तक वो medications उनको उपलब्ध करवाएंगे. Next आपका है reading and checking. Reading मतलब पढ़ना और checking मतलब check करना, obviously. तो एक प्रेस्क्रिप्शन मिलने के बाद फार्मासिस्ट को सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, तो दैट इज द रीडिंग पार्ट. शुरू से लेके अंत तक प्रेस्क्रिप्शन वो प्रॉपरली पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको स्क्रूटिनी करेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ चेकिंग. नो व्हाई इज दिस स्क्रूटिनी और दिस चेकिंग रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर कैन बी अ नंबर ऑफ एरर्स व्हिच कैन हैपन ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एरर्स ऑफ अ प्रेस्क्रिप्शन, कहां कहां से एरर हो सकता है, एंड एरर्स आर मैक्सिमम ऑफ द केसेस दे आर अनइंटेंशनल. प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त बहुत जल्दबाजी की गई है या हड़बड़ी में या कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस में कई बार कई सारे एरर्स आ सकते हैं. हो सकता है एरोनस प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया हो अनइंटेंशनली कम्प्लीटली, लेकिन उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना किया जाए और कभी भी एक एरोनस प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को डिस्पेंस नहीं करना है.
तो रीडिंग पार्ट में द फार्मासिस्ट शुड रीड द प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद दे शुड स्क्रूटिनाइज द प्रेस्क्रिप्शन, दैट इज अ चेकिंग पार्ट, और उनको चेक करना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की एरर्स तो नहीं है। एरर्स कहां से, हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे कहां कहां से एरर्स हो सकते हैं। तो एरर्स के बारे में जानकारी किसको होगी, एक डॉक्टर अगर अनइंटेंशनली हुआ है तो फार्मासिस्ट को उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर एरर्स है तो उन एरर्स प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी उनको हूबहू डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। दे शुड ट्राई देयर बेस्ट टू एलिमिनेट दोज एरर्स। तो एरर्स की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिंग वेइंग द मटेरियल। ये अगेन पुराने और प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज लागू थी, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। जैसे कि हमने इंग्रेडिएंट्स आपको लिख के बताए थे मॉडल प्रिस्क्रिप्शन में, तो जब ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आते थे सबसे पहले, जैसे कि लेबोरेटरी में भी जब प्रैक्टिकल्स में आप काम करेंगे तो आपको ऐसे प्रिस्क्रिप्शन ही मिलेगा एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। सो यू स्टडी द फॉर्मूला किस हिसाब से है, क्वांटिटी किस हिसाब से है, उससे बाद आप सारे जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे उसको प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे, फिर एक के बाद उसको प्रॉपरली वेइंग बैलेंस में वे करेंगे उसकी क्वांटिटी। ओके, नाउ मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन में ये कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। कलेक्टिंग जरूर है कि उनको अलग अलग बॉक्स से, अलग अलग रैक से जो जो मेडिकेशन है उनको इकट्ठे करना है, दैट इज द कलेक्टिंग पार्ट। एंड क्वांटिटी और जो उसकी डोज वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है स्पेसिफिक, उसके हिसाब से उनको उस चीज को क्वांटिफाई और उनको कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इसमें कंपाउंडिंग पार्ट, लेबलिंग पार्ट, पैकेजिंग पार्ट इज नाउ ऑल्सो कंप्लीटली मिसिंग इन केस ऑफ दिस मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन, और जिसमें एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन है। लेकिन पुराने जमाने के प्रिस्क्रिप्शन में जब मेडिसिन प्रिपेयर फ्रेशली, वहां पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस थी इसकी। जब जो चीज आपने कलेक्ट किया उसको आपने वे किया, आपको उसको कंपाउंड करना था, दैट इज यू हैव टू मेक द प्रिपरेशन। सपोज आपको पेस्ट के लिए बोला गया है तो आपको पता, फार्मासिस्ट को पता होती थी कि इंग्रेडिएंट्स को लेके एक पेस्ट कैसे बनाया जाता है, तो वो उसको बनाते थे, फिर सूटेबली उसको पैक करते थे इन सूटेबल कंटेनर्स प्रॉपर तरीके से, ताकि उसकी सेफ्टी एफिकेसी बरकरार रहे जब तक पेशेंट उसको यूज करेगा, और उसको प्रॉपरली एंड सूटेबली उसको लेबल करना। लेबलिंग पार्ट में आपको वो सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि सिग्नेचर पार्ट में है, दैट इज द डायरेक्शंस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसका डोज क्या है, एंड ऑब्वियसली डिटेल्स अबाउट द प्रिपरेशन की किस हिसाब से वो प्रिपरेशन दिया गया है पेशेंट को। सो दिस इज द पार्ट दैट इज हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन में हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन काफी ईजी हो गया है, बट येट फार्मासी शुड रिमेन वेरी वेरी विजिलेंट ड्यूरिंग इट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट। आजकल जब पेशेंट अपने पास आते हैं फार्मासिस्ट के पास, चाहे वो हॉस्पिटल आउटलेट, रिटेल आउटलेट हो, हॉस्पिटल फार्मेसी रिटेल आउटलेट या नॉर्मल रिटेल शॉप में, तो फार्मासी शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन ऑल बाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड ड्यूरिंग द रिसीविंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आपको फार्मासिस्ट के फेशियल एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द सिवेरिटी ऑफ द डिजीज। उसको बहुत प्यार से, बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से मेडिसिन को, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए। रिसीव करने के बाद फिर उसको, उनको वेट करने के लिए बोलना चाहिए प्रॉपर वेटिंग एरिया में, उसके बाद प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना, फिर उसको स्क्रूटिनाइज करना, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद सारे चीज़ों को इकट्ठे करके प्रॉपर तरीके से पैकेट में भर के, फिर विथ प्रॉपर गाइडेंस, विथ अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ काउंसिलिंग जिसको बोला जाता है, वो काउंसिलिंग करके फिर जो उसके मॉनिटरी एस्पेक्ट है, बिल वगैरह उसको पेमेंट करने के बाद उनको उस चीज को हैंड ओवर करना चाहिए। सो दिस इज हाउ अ मॉडर्न डे प्रिस्क्रिप्शन इज बीइंग हैंडल्ड। नाउ कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द सोर्सेस ऑफ एरर इन अ प्रिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था एरर मतलब मिस्टेक्स या गलतियां, जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन में कई बार होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज और इन अ हरी थिंग, मतलब कॉन्स्टेंटली एक हरी चलता है डॉक्टर्स के पास। वेटिंग में बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं आप जानते हैं, और डॉक्टर भी बहुत बिजी पर्सन है, तो कई बार ये देखा गया है नॉट इंटेंशनली, जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं, अनइंटेंशनली कई बार बहुत सारे एरर्स प्रिस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिल जाती हैं। सो कहां-कहां से वो सोर्सेज ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं। एब्रीविएशन, अगर ऐसे कुछ एब्रीविएशन जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मालूम है लोगों को, उन एब्रीविएशन को प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है तो डॉक्टर हैज रिटन एंड द फार्मासिस्ट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ऐसा कुछ एब्रीविएशन है जो कि बिल्कुल भी नया है और जिसके बारे में फार्मासिस्ट को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो दैट कैन बी सोर्स ऑफ एब्रीविएशन। दैट इज एक बहुत एब्रीविएशन कॉमन है, दैट इज SSKI। अगर SSKI डॉक्टर ने लिखा है तो SSKI एक्चुअली स्टैंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन ये फार्मासिस्ट को अगर मालूम होना चाहिए
दैट इज द एब्रीविएशन। और अगर फार्मासिस्ट को नहीं मालूम तो फिर डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर ने उसको लिखा है लेकिन हमारे लिए वो एरर हो गया, हम इसके बदले कुछ और डिस्पेंस कर देंगे। सो ऐसे जो अनकॉमन एब्रीविएशन से, उन एब्रीविएशन से बचना चाहिए। बट दो एब्रीविएशन अगर लिखा जाता है बिकॉज टू सेव टाइम, सो दैट कैन बी दिस टाइप ऑफ एब्रीविएशन जो कि अननोन है दोनों के लिए, टू द पेशेंट एज वेल एज टू द फार्मासिस्ट, इन यहाँ पे मोर टू द फार्मासिस्ट, तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ एरर। नेक्स्ट आपका आता है नेम ऑफ द ड्रग। कई बार देखा गया है काफी हद तक सिमिलर नेम्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिजिटॉक्सिन और डिगोक्सिन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम। तो डॉक्टर लिखना जाता था डिगोक्सिन, उन्होंने लिख दिया है डिजिटॉक्सिन। सो डिगोक्सिन डिजिटॉक्सिन दोनों की यूजेज डिफरेंट है। तो ऐसे कॉमन नेम्स ऑफ द ड्रग में कई बार एरर्स हो सकते हैं, तो द फार्मासिस्ट शुड क्रॉस चेक विद द फिजिशियन बिफोर डिस्पेंसिंग ऑफ दिस एरोनस मेडिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन मतलब उस प्रिपरेशन की जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें जो मेडिकेशन है उसमें जो प्रिपरेशन है उसकी क्वांटिटी और उसकी स्ट्रेंथ। दैट इज सपोज एक मेडिकेशन है जिसका कई सारे स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, बी इट मे बी इट इज अवेलेबल इन 250 grams और इट इज अवेलेबल इन 250 mg, सॉरी, और इन 750 mg और मे बी इन 500 mg। तो डॉक्टर ने सपोज बिल्कुल वो एरर हो गया कि वो छूट, मतलब उनसे छूट ही गया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, तो इन दैट केस द फार्मासिस्ट शुड नेवर डिस्पेंस द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट स्ट्रेंथ। मगर उनके पास अगर 250 mg का भी प्रिपरेशन है, 500 mg का भी और 750 mg का भी है और प्रेस्क्रिप्शन में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं लिखी गई है, सो दैट इज एन एरर। सो फार्मासिस्ट शुड पॉइंट आउट दैट एरर, इट शुड बी रेफर्ड बैक टू द फिजिशियन, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल the medicine is needed in urgency, then the lowest strength of the medication must be handed over to the patient and not the highest strength, never. Next, dosage form the drug. ये भी एक common error हो सकता है dosage form में, कि मतलब एक ही drug का बहुत सारी preparations available है market में। हो सकता है उसका liquid oral, मतलब syrup इस type की preparation हो सकता है उसका tablet हो सकता है उसका अलग कोई preparation हो। आपके पेशेंट की नीड क्या है, अगर प्रेस्क्रिप्शन में लिखना भूल गए डॉक्टर कि ही नीड अ टैबलेट और ही नीड्स अ कैप्सूल और ही नीड एनी अदर लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज, तो फिर द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द फिजिशियन बिफोर डिस्पेंसिंग, क्योंकि डोजेज फॉर्म, कौन सा डोजेज फॉर्म उचित है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है उस मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले। सो दैट कैन बी ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एरर। नेक्स्ट आपका आता है डोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर मेडिकेशन। तो डोज वेरीज ऑन अ, और डोज डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम इसके बाद के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डोज ऑफ अ ड्रग, एंड अ डोज, अ सिंगल डोज इज नॉट इक्वल फॉर टू पेशेंट्स, दो पेशेंट के लिए एक डोज नहीं भी इक्वल हो सकता है, डिफरेंट हो ही सकता है। तो अगर डोज उसमें नहीं लिखा गया है, प्रॉपरली नहीं बताया गया है, तो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ एरर। तो फार्मासी शुड रिमेन वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट डोज में प्रेस्क्राइब किया गया है पेशेंट को। नेक्स्ट आपका आता है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। जैसे कि आप जानते हैं सिग्नेचर पार्ट में इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट दिया जाता है कि हाउ टू टेक दैट मेडिकेशन। अगर इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट इज बीइंग एरोनस और फॉल्टी, देन देयर कैन बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरर हो सकता है। सपोज कई ऐसे मेडिकेशन है, कई ऐसे प्रिपरेशन जिनको कि एम्प्टी स्टोमैक में लिया जाता है, और कई ऐसे प्रिपरेशन है जिनको कि कंपल्सरीली आफ्टर फूड, मतलब आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर ही लिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन अगर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं दी गई है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरर जो प्रिस्क्रिप्शन में है। इन दैट केस द फार्मासिस्ट शुड प्रॉपरली काउंसिल द पेशेंट, प्रॉपरली गाइड द पेशेंट अबाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो कि उसमें देना चाहिए। इन मोस्ट केसेज इट शुड बी रेफर्ड बैक टू द फिजिशियन फॉर फर्दर कंसल्टेशन। एंड नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इनकॉम्पेटिबिलिटीज। इनकॉम्पेटिबिलिटीज क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटीज एक अलग चैप्टर है हमारे लिए, हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को डिटेल्स में। सो इनकॉम्पेटिबिलिटी मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो कि डिजायर्ड रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। मतलब आपने एक प्रिपरेशन उनको दिया पेशेंट को, और ड्यू टू सम फिजिकल reasons, सम केमिकल reasons या फिर सम थेरेप्यूटिक reasons, सम इनकॉम्पेटिबल फॉर्मुलेशन हैज रिजल्टेड। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर है तो उसको पेशेंट को
आइडेंटिफाई करना चाहिए इन द प्रिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, और कभी भी इनकॉम्पेटेबल प्रिपरेशन, कभी भी इनकॉम्पेटेबल प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को पेशेंट तक पहुंचाना नहीं चाहिए। ऐसे जो एरर्स हैं वो कि कॉमन है, जैसे कि आपका एब्रिविएशन हो गया, नेम्स ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ, डोजेज फॉर्म, डोज, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड एज वेल एज द इनकॉम्पेटेबिलिटीज। सो दीज आर द कॉमनेस्ट सोर्सेज ऑफ एरर्स, ये लिखते वक्त हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स व्हाई दिस रीडिंग एंड चेकिंग पार्ट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन। सो अ डॉक्टर शुड ट्राई देयर बेस्ट टू एलिमिनेट ऑल दोज एरर्स, अगर तो उसके लिए वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, लाइक अ फार्माकोपिया मैंने इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी वो चीज नहीं हो पा रही है तो द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बैक टू द फिजिशियन। कभी भी एरर्स प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस नहीं करना चाहिए।